वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे पीछे दो माउंटेन्स दिख रहे हैं किसी को? ये सो आई एम इन पुष्कर राइट नाउ और आज मैं एक्सप्लोर करूंगा पूरा पुष्कर। सो दिखाता हूँ इस वीडियो में कंप्लीट पुष्कर, जो टेंपल्स है, जो पुष्कर लेक है और जहाँ आप रुक सकते हो, जो नाइट लाइफ है पुष्कर की, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, सब कुछ दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक और देखते हैं हम कंप्लीट। सो सबसे पहले बात आती है हाउ टू रीच पुष्कर। तो आप पुष्कर आने के लिए जयपुर एयरपोर्ट से आ सकते हो बाय फ्लाइट। यदि आपको आना हो तो जयपुर एयरपोर्ट नियरेस्ट है, और बाय ट्रेन आना चाहो तो अजमेर रेलवे स्टेशन से बाय बस आ सकते हो, या फिर पुष्कर रेलवे स्टेशन भी है शायद, कन्फर्म नहीं है। मैं अजमेर से आया, मैं जयपुर था, जयपुर से पहले अजमेर आया बाय ट्रेन, एंड देन अजमेर से यहाँ लगभग 11-12 किलोमीटर है तो बाय बस आया। 20 से 25 मिनट लगे और 60 रुपीज़ की टिकट थी। तो आप पुष्कर आना चाहो तो इस रास्ते से आ सकते हो, बाकी कोई और रास्ता है तो गूगल मैप जिंदाबाद। तो सेकंड चीज़ आती है वेयर टू स्टे इन पुष्कर, कहाँ रुकना बेस्ट है। सो फ्रेंड्स, कैंपिंग का एक्सपीरियंस आपने हिमाचल में लिया होगा, कश्मीर में लिया होगा, उत्तराखंड में लिया होगा, बट कैंपिंग का एक्सपीरियंस राजस्थान में जो आता है गजब। सो राजस्थान में एक बार कैंपिंग का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। पुष्कर में आओ तो कैंप्स में रुको, टेंट में रुको, काफ़ी ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। मैं रात को रुका था, मैं अभी दिखाता हूँ वो टेंट जहाँ मैं रात को रुका था। सो अभी मैं रूफ टॉप पर ही हूँ और ये टेंट्स है जहाँ पे मैं रात को रुका। बजट में काफ़ी अच्छा स्टे प्रोवाइड कर रहे हैं, और अभी सनराइज का टाइम हो गया, सुबह सुबह का टाइम है, वीडियो बना रहा हूँ, कोई नहीं उठा हुआ पूरे होटल में, अकेला मैं ही हूँ, सारे यूट्यूबर नहीं होते ना। तो आज चलते हैं पुष्कर एक्सप्लोर करने, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वैसे पुष्कर एक्सप्लोर करने का, क्योंकि मुझे बीकानेर के लिए निकलना है तो शायद 4 या 5 घंटे ही है, 4-5 घंटे में कंप्लीट पुष्कर हो जाएगा। और जो नाइट लाइफ मैं दिखाऊंगा वो मैं आज की नहीं दिखा रहा, कल रात की दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को निकलना है यार बीकानेर। तो ये देखो टेंट, रात के टाइम आया हूँ पुष्कर लेक, और ये लेक है बैकग्राउंड में, काफ़ी ही अच्छी लग रही है, रात को लाइटनिंग वगैरह जो आ रही है गजब। तो दिखाता हूँ मैं अभी पूरी लेक का छोटी सी एक वीडियो। दिस इज़ माई टेंट, और ये काफ़ी ही अच्छा है, बैठने के लिए टेबल चेयर, कूलर, लैंप, बेड, और काफ़ी बड़ा है यार। वॉशरूम, काफ़ी ही अच्छा टेंट है मैं जिसमें रुका हुआ हूँ, आप आओ तो स्टे कर सकते हो, काफ़ी बजट में है, अंडर 1000 मिल जाएगा, मेरे को 800 में मिला इस टाइम, शायद ऑफ सीजन है इस करके, बट booking.com में चेक करो, रॉयल पुष्कर कैंप, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो काफ़ी अच्छा है, अब चलते हैं पुष्कर की तरफ, पुष्कर एक्सप्लोर करते हैं। एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया, वेयर टू स्टे, अब चलते हैं व्हाट टू डू या थिंग्स टू डू, चलो करते हैं एक्सप्लोर। ये आ गए हम टेम्पल में, सावित्री माँ का मंदिर, यहाँ केबल कार से जाना पड़ता है ऊपर, चढ़ाई करके भी जा सकते हैं बट थोड़ा ऊपर है, देखते हैं केबल कार चल रही हो तो केबल कार में चलेंगे, नहीं तो देखते हैं यार। ये केबल कार राइड बंद है सावित्री मंदिर में, भी मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है, समझ नहीं आ रहा पैदल जाऊं या फिर वापस चला जाऊं, वापस जाके दोबारा आ सकता हूँ, ये शायद 1 घंटे में स्टार्ट हो जाएगी, देखते हैं क्या करता हूँ, बट आने से पहले चेक करना चाहिए था, गलती मेरी ही है, चलो चलते हैं वापस।
पुष्कर शहर का व्यू देख के अंदाजा तो लग ही गया होगा। हाँ यार, पैदल चढ़ाई स्टार्ट कर दी तो 10 मिनट हो होंगे और काफ़ी ऊपर तक जाना है। पास में लग रहा था बट मुश्किल है, बट जो व्यू आ रहा है पुष्कर शहर का व्यू दिख रहा है गजब गजब। धूप के कारण फेस थोड़ा ठीक नहीं आ रहा। बीच रास्ते में पहुंच गया मैं और व्यू अभी भी अच्छा है। व्यू के करके ही चढ़ाई में थोड़ी हिम्मत मिल रही है, अच्छा अच्छा व्यू दिख रहा है और गंडोला स्टार्ट हो गया। ये रोप वे अभी स्टार्ट होना था जब मैं आधे रास्ते पहुंच गया। अब ना मैं नीचे जा सकता ना मैं ऊपर चढ़ सकता। अब ऊपर ही जाऊंगा मैं, अब मैं नीचे नहीं जाता यार। चढ़ेंगे आ जाऊंगा इससे वापस, बट अब चढ़ते ही है। गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई है, चलते हैं ऊपर सावित्री देवी टेम्पल। अभी दो बंदे मिले, बीच रास्ते से वापस आ रहे थे, कह रहे थे ऊपर चढ़ा नहीं गया, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। तो मेरे को भी कह रहे थे कि नहीं चढ़ा जाएगा, बट बीच रास्ते तक तो पहुंच गया हूँ। अब हाथ ना मानेंगे, चढ़ेंगे। बड़े क्रेजी जो है, चढ़ाई तो ऐसे खड़ी है, देखते हैं अभी क्या। ऊपर मंदिर की तरफ और गंडोला राइड भी स्टार्ट हो गई केबल का, बट कोई नहीं पहुंच गए हम अब तो। सो काफ़ी अच्छा व्यू है अभी तो, मैं दिखाता आ रहा हूँ। ये केबल कार से कुछ बंदे आ रहे हैं, ये एंट्री गेट है। रोप पे स्टार्टेड और मैं बैठा हूँ इस टाइम अकेला पूरे कैबिन में जो भी होता है ये, और नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो मेरे बाहर का व्यू अच्छा है। चढ़ने में बहुत मेहनत लगी थी, चलो उतरने में तो नहीं लगेगी क्योंकि टाइम कम है एक्सप्लोर करने के लिए पुष्कर, तो मैंने सोचा उतरने में टाइम वेस्ट नहीं करता। सो ये नीचे जाने के 71 रुपीज़ चार्ज है ऊपर से और राउंड ट्रिप के 104। यदि ये स्टार्ट हो तो मैं तो यही कहूँगा चढ़ने की बजाय इसमें ही आओ, 104 लगेंगे, आना जाना सब कुछ हो जाएगा। और यदि मेरी तरह आप क्रेजी हो या फिर मेंटेनेंस का वर्क चल रहा हो या फिर आप चढ़ना चाहते हो तो यार करो चढ़ाई, किसने रोका है। तो एंजॉय करते हैं रोप में। रुक गया, थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। यहाँ वाले भी रुके हुए हैं, साइड वाले देख सकते हो, पता नहीं क्या हुआ यार, क्यों रोक दिया। भाई चला लो यार, बंदों की जान अटकी हुई है, चला ही नहीं रहे, देखते हैं। फाइनली वी आर डाउन, हम पहुंच गए। टाइम आ गया है इस प्यारे से
लोकेशन को छोड़ने का, इस प्यारे टेंट को छोड़ने का, और निकल पड़े हम पुष्कर से बीकानेर की तरफ। और वही एक बैग आगे एक बैग पीछे टांग लिए और चल पड़े बीकानेर। पुष्कर से बीकानेर की बस ढूंढता हूँ और जाएंगे बीकानेर। ये टेंट जिनमें रात को रुका था काफ़ी प्यारे थे।